रातू में अपराधियों ने दो व्यक्ति को गोली मार दी है। गोली लगने से घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इलाज के लिए अस्पताल में घायलों को भर्ती करवाया गया है। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। तो देखिए बड़ी खबर, राजधानी रांची से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर गोली चलाई गई है। और आपको बता दें, इस गोलीकांड में दो लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस जांच में जुट गई है। तो देखिए बड़ी खबर, राजधानी रांची से एक बार फिर अपराधियों का तांडव राजधानी में देखने को मिली है। दरअसल रातों में अपराधियों ने दो व्यक्ति को गोली मार दी। हालांकि जो जिसे गोली लगी है वो घायल अवस्था में अस्पताल में पहुंचाया गया, जिसके बाद वहां पर इलाज चल रहा है। तो देखिए राजधानी रांची से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती रहती है। अभी हाल ही में एक नवादा की लड़की पर गोली चलाई गई थी, और अब कुछ दिन बाद ही आज दो व्यक्ति पर गोली चलाने का मामला सामने आया। और देखिए अपराधियों ने गोली मारी है दो व्यक्ति को, और घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो देखिए बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं राजधानी रांची से, जहां पर दो लोगों को गोली मारी गई है। और आपको बता दें कि इस गोलीकांड में दो लोग घायल हुए हैं। और आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं राजधानी रांची से, जहां पर आपको बता दें कि गोली चलाई गई है। घटनास्थल से सीधी तस्वीरें, और आपको बता दें कि सबसे पहले इस खबर को न्यूज 11 भारत ने ही चलाया है और आप तक पहुंचाया है। तो देखिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी भी है, और वहां पे भारी संख्या में लोग भी मौजूद हैं। तो देखिए इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है दोनों को, लेकिन पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी इमरान लाइव जुड़ गए हैं। इमरान, ये बताइए कि जो ये रातू थाने से ये पूरा मामला है, गोली चलाई गई है, अपराधियों की अभी तक पहचान हो पाई है क्या, और किस पर्पस से इस गोली को चलाया गया है? कुछ पुलिस वाले का इस पर कुछ बयान आया क्या इमरान? देखिए दीपक, जिस तरह से रात्रि के वक्त में अचानक बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग की घटना को अंजाम देते हुए बाइक सवार अपराधी भाग गए, लेकिन दो जो व्यक्ति थे वो इस गोलीबारी में घायल हो गए। जब्बार और इलियास नामक व्यक्ति जो हैं वो घायल हो गए। ठीक इसी होटल पर ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद थे, और इस दौरान जो है बाइक सवार जो अपराधी पहुंचे और वो फायरिंग करना शुरू कर दिया। बाइक सवार अपराधी फायरिंग करते हुए सभी भागने में सफल रहे, लेकिन जिस तरह से फायरिंग की घटना हुई उसके बाद मौके पर रातू थाने की पुलिस, डीएसपी सहित कई पुलिस पदाधिकारी पहुंचे हैं, स्थानीय लोग भी पहुंचे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार दो चीजें जो हैं वो रातों में सुर्खियां बटोर रही थी। एक टीपीसी के नाम पर जिस तरह से लगातार 50 लाख रुपए फिरौती मांग की गई थी, समाज सेवी अंजुमन के रातू अंजुमन के अध्यक्ष जो हैं कमरुल हक उनसे मांगे जा रहे थे, इसी मामले को लेकर लगातार ट्रेड किया जा रहा था। जिस जगह पे गोली चली है उनके घर से ठीक कुछ दूरी से पहले यहाँ पे गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। अब दोनों पहलू को लेकर के पुलिस जांच कर रही है कि गोलीबारी करने के पीछे एक तो दहशत फैलाने का उद्देश्य रहा ही है, साथ ही साथ ये भी कोशिश की जा रही है या जानकारी जुटाई जा रही है कि कहीं ना कहीं कमरुल को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। चूंकि जिस तरह से लगातार धमकी भरा कॉल्स किए गए थे, कई जानकारियां मांगी जा रही थी, पैसे की डिमांड की जा रही थी, उसके बाद भी लगातार वार्ता जो है फोन के माध्यम से की जा रही थी। लास्ट जो कॉल आया था उसमें 50 लाख से टीपीसी के नाम पर जो व्यक्ति फोन कर रहे हैं उसने 20 लाख रुपए के फिरौती मांगे थे, लेकिन देने में असमर्थता बताने की वजह के बाद उसने धमकी दी थी कि फायरिंग की घटना को अंजाम दिया जाएगा, आपको निशाना बनाया जाएगा, जान से मारने की कोशिश की जाएगी। इन तमाम चीजों को लेकर आज ठीक उसी जगह पर उसी के मोहल्ले में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस की कोशिश है कि दोनों पहलुओं को जांचे कि एक तरफ जहां फायरिंग हुए है इसके एंगल को तलाशना होगा कि कहीं ना कहीं जब्बार और इलियास से जुड़ा यह मामला हो सकता है, या फिर कमरुल को ही निशाना बनाते हुए अपराधियों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। चूंकि खुला होटल है और होटल के पास फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे घटना के बाद से जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे। क्या हुआ था, आप लोगों को जानकारी क्या कुछ मिल पाया? देखिए हम लोग तो जो घटनास्थल है उसका बगल में खड़े थे, बहुत सारे लोग थे,
तो हम लोग अचानक में सुने कि यहाँ पर फायरिंग हुआ है, एक नहीं बहुत बार सुने, 4-5 फायरिंग। तब यहाँ के सभी जो ग्रामीण थे वो अफरा तफरी में आकर घटनास्थल पर देखे तो दो आदमी यहाँ पर पड़े हुए थे, एक का नीचे पैर में लगा और एक का जांघ में लगा। फिर उसको हम लोग तुरंत में यहाँ सामने आर्या हॉस्पिटल है वहाँ भेजे, प्रशासन को सूचना दिए, DSP सर, रातू थाना प्रभारी और पूरे रातू थाना की टीम आए और यहाँ का जो वातावरण है उसको संभाले। क्यों गोली क्यों चली? देखिए ये सब तो बहुत बड़ा सर्कस ही है, चूँकि हाजी चौक एक बहुत बड़ा जनसंख्या दिनों भर रहता है, सुबह से शाम तक भीड़ भाड़ का जगह है और इस तरह से आके अपराधी जो अंजाम घटना का अंजाम दे के चले जाते हैं ये बहुत बड़ी बात है। देखिए दीपक, हम दिखाना चाहिए तस्वीरों के माध्यम से कि होटल चल रहा था, अब चूल्हे में जो आग है, जो भट्टी में जो आग है वो अब तक चल रहा है क्योंकि चालू हालत में थे और यहाँ पर काफी भीड़ हुआ करता है। ये हाजी चौक बेहद व्यस्त इलाकों में से एक है रातू का, और इस जगह पर जिस तरह से गोलीबारी हुई, गोलीबारी की घटना के बाद जो है एक तरह से कहे तो अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और उसके बाद जो लोग थे वो इस जगह पर गिर गए और इसके बाद अचानक यहाँ से उठाकर उनको स्थानीय हॉस्पिटल ले जाया गया है। क्या जानकारी आप लोगों को मिल पाई है कि जिस तरह से फायरिंग हुई? हम लोग जो अंजुमन रातू प्रखंड का सदर है कमरुल हक जी और पूर्व जिला उपाध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा के, हम लोग उनके साथ में बैठे हुए थे ऊपर में, उसके बाद वो भी निकले और हम लोग भी निकले और निकले और 10 मिनट करीब हुआ, हम लोग पीछे साइड थे और दड़ाम दड़ाम गोली चलने का आवाज़ सुने। जब हम लोग आए तो इधर 2-4 को लड़का खड़ा था, उन लोग से पूछे तो उन लोग बताया कि नहीं गोली चलाया और एक होटल मालिक जो है उनका समधी मुख्तार और एक जो जबार और इलियास, इन लोगों को दोनों को एक एक गोली लगा और हम लोग गोली चलने के पीछे क्या कमरुल को टारगेट करना था? हाँ, गोली चलने का टारगेट ये था, कुछ दिन पहले ही TPC के नाम से उनको फोन आया था और बोला गया था कि 20 लाख रुपया रंगदारी के रूप में दो, तो उसने प्रशासन को भी आवेदन दिया था और आवेदन देने के बाद उनको गार्ड भी मुहैया कराया गया दोगो, और उसके बाद फिर एक फोन आया और बोला कि 20 लाख रुपया जो बोले हैं उसको पहुंचा दो अन्यथा फिर अंजाम बुरा होगा। अच्छा, इलाके में दहशत है, डर है? डर तो पूरा बना हुआ है चूंकि कहीं ना कहीं एक रातू बहुत सुरक्षित जगह था जहां हम लोग हमेशा अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे और यहां खुलेआम अपराधियों द्वारा गोली चलाना ये बहुत दुख की भी बात है, बहुत निंदनीय घटना है, हम लोग तो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। काफी निंदनीय घटना है, जिस तरह से राजधानी में हाल के दिनों में फायरिंग की घटना हुई है, एक के बाद एक कई फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है, कभी दिन दहाड़े तो कभी जब से व्यस्तम इलाका सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में अपराधी जो है वो फायरिंग की घटना को अंजाम दे रहे हैं और उसके बाद अपराधी फरार हो रहे हैं। अब ये TPC से जुड़ा मामला हो सकता है जिसकी जाँच पुलिस कर रही है, कैसे भी पूछताछ किया जा रहा है। बिल्कुल इमरान, अब ये तो जांच का विषय है कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से जांच करती है और जो आरोपी हैं जिन्होंने गोली चलाई उसको कब तक हिरासत में लेती है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका इमरान। तो देखिए, आज रातों में अपराधियों का फिर एक बार बोलबाला दिखा है। आपको बता दें कि अचानक से बाइक सवार आए और दो व्यक्तियों पर फायरिंग कर दी, जिसमें घायल अवस्था में दोनों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। हालांकि अब इलाके में दहशत का माहौल इस गोलीकांड के बाद बन गया है, लोग डरे सहमे हैं, लेकिन पुलिस किसी तरीके से लोगों को समझाने बुझाने का काम कर रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।